नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड नए स्कैम्स के बारे में। अगर आपके पास भी क्रेडिट कार्ड है, फिलहाल यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं आईसीआईसीआई बैंक क्रेडिट कार्ड्स के बारे में। अगर आपके पास आईसीआईसीआई बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो एक बार दोस्तों अपने कार्ड को अपने हाथ में ले लीजिए और अपने कार्ड को जो है दोस्तों यहाँ पर उल्टा कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों जो नया स्कैम यहाँ पर चालू हुआ है, अब यहाँ पर दोस्तों आपको बहुत आराम से बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। यहाँ पर दोस्तों आप अपना आईसीआईसीआई बैंक का क्रेडिट कार्ड अपने हाथ में ले लीजिए, उसके पीछे दोस्तों आपको एक रजिस्टर्ड कस्टमर केयर का नंबर जो है वो यहाँ पर दिखाई देगा। आप लोग दोस्तों एक बार देखिएगा, वो दोस्तों आप लोगों को जो नंबर रजिस्टर्ड मिलने वाला है वो यहाँ पर दोस्तों ये है 1800102 0123। यहाँ पर ये आईसीआईसीआई बैंक वालों का रजिस्टर्ड कस्टमर केयर नंबर है। लेकिन अब दोस्तों स्कैमर्स ने सेम टू सेम ऐसा डुप्लीकेट नंबर बना लिया है और दोस्तों यहाँ पर आपके पास कॉल करेंगे कि हम आईसीआईसीआई बैंक कस्टमर केयर से बोल रहे हैं, यहाँ पर जो भी आपको प्रॉब्लम लगने वाली है कि आपकी लिमिट इंक्रीज करा सकते हैं, आपकी एनुअल फी माफ करा सकते हैं, यहाँ पर आपको कार्ड अपग्रेड कराकर रुपए क्रेडिट कार्ड यहाँ पर प्रोवाइड करा सकते हैं, ऐसे ऐसे दोस्तों यहाँ पर ये जालसाज आपसे बात करेंगे। आप बोलोगे कि हमें आप पे ट्रस्ट नहीं है, फिर वो बोलेंगे कि आप जो है अपना क्रेडिट कार्ड उठाइए, उसके पीछे जो नंबर लिखे हैं वो नंबर यहाँ पर मैच कर लीजिए जिस नंबर से मैं यहाँ पर कॉल कर रहे हैं। फिर यहाँ पर दोस्तों आप लोग मैच करेंगे, नंबर बिल्कुल सेम यहाँ पर निकलता है, नंबर मतलब एक नंबर भी आगे पीछे का चेंज नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों हमारे एक सब्सक्राइबर के साथ यहाँ पर दोस्तों 50,000 रुपये का स्कैम ऐसे ही हो चुका है। स्कैमर्स ने उनको कॉल करा, हम कस्टमर केयर के थ्रू बोल रहे हैं आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट को यहाँ पर बढ़ा देंगे, तो यहाँ पर वो बोलते हैं कि मुझे आप पे ट्रस्ट नहीं हो रहा, तो स्कैमर बोलते कि हमारा नंबर आप मैच कर लीजिए और आपके जो क्रेडिट कार्ड के पीछे नंबर लिखा है उसको यहाँ पर आप मैच कर लीजिए, नंबर सेम है। तो ऐसे में दोस्तों हमारे जो सब्सक्राइबर है उनको उन स्कैमर पे ट्रस्ट हो जाता है कि नंबर यहाँ पर सेम है तो कोई भी स्कैम नहीं होगा। लेकिन नहीं, यहाँ पर सेम नंबर अब यहाँ पर स्कैमर्स ने जनरेट जो है वो कर लिया है। फिर भी यहाँ पर दोस्तों आप लोग नंबर की पहचान जो है वो कैसे कर सकते हैं कि बैंक की तरफ से यहाँ पर कॉल आया है या फिर स्कैमर्स आपको कॉल कर रहे हैं। दोस्तों अगर आपके हाथ में कार्ड है तो कार्ड को दोस्तों आप लोग ज़रा गौर से देखिए, यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि जो नंबर है एक्चुअली बैंक का वो 1800102 0123 है। अभी यहाँ पर इसके आगे कोई भी प्लस वगैरह नहीं लिखा है, लेकिन जब दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर स्कैमर जो कॉल करेंगे वो सेम नंबर तो यहाँ पर बना लेंगे, लेकिन आपको उसके आगे प्लस जो है वो यहाँ पर दिखाई देगा। अगर दोस्तों सोच लीजिए सेम कस्टमर केयर के नंबर से कॉल आया है, आगे प्लस लिखा है, तो यहाँ पर ये लोग स्कैमर हैं। अब यहाँ पर दोस्तों हमारे जो सब्सक्राइबर है जिनके साथ यहाँ पर स्कैम हुआ, उनके पास यहाँ पर SBI बैंक का क्रेडिट कार्ड था। अब यहाँ पर दोस्तों उनके अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट को इंक्रीज करवाना था, भगवान जाने कि स्कैमर वो कैसे पता लगा कि उनको अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट इंक्रीज करवानी है। उन्होंने उनको कॉल करा, SBI का कस्टमर केयर एजेंट बनकर बोला कि हम SBI कस्टमर केयर से बोल रहे हैं आपकी लिमिट हम बढ़ा देंगे, अपने क्रेडिट कार्ड का OTP दे दो। अब उनको वो बोले कि मुझे आप पे ट्रस्ट नहीं है, मैं OTP कैसे दे दूं? तो उन्होंने बोला स्कैमर्स ने कि अपना कार्ड उठाइए, उसके पीछे जो नंबर है मैच कीजिए, हम जिस नंबर से कॉल कर रहे हैं सेम वही नंबर है। अब यहाँ पर दोस्तों इस चक्कर में हमारे जो सब्सक्राइबर बेचारे भाई साहब थे वो यहाँ पर फंस गए, उन्होंने यहाँ पर प्लस माइनस का ध्यान नहीं दिया कि नंबर के आगे यहाँ पर प्लस भी मेंशन है, और उन्होंने दोस्तों उन हैकर्स को OTP दे दिया और उनके दोस्तों SBI बैंक के क्रेडिट कार्ड से 49,981 रुपये यहाँ पर कट गए। तो यहाँ पर स्कैमर सिर्फ SBI बैंक नहीं, धीरे धीरे एक्सिस, जिनके पास एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड है, जिनके पास ICICI बैंक के क्रेडिट कार्ड है, जिनके पास कोई से भी बैंक का क्रेडिट कार्ड हो, अब यहाँ पर वो कस्टमर केयर के नंबर को यहाँ पर दोस्तों जो है निशाना बना रहे हैं, वैसा नंबर सेम क्रिएट कर रहे हैं, बस आगे प्लस लिखा होता है, लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं और यहाँ पर आपकी दोस्तों डिटेल्स आपसे लेकर OTP आपसे लेकर स्कैम जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपने ये वीडियो देख ली है, आपने यहाँ पर सावधान जो है वो हो जाना है। तो सो पहली बात बता दूँ, किसी भी कस्टमर केयर को, किसी भी यहाँ पर मर्चेंट को, कोई चाहे दोस्तों बैंक वालों का बाप ही क्यों ना आ जाए,
आपने ओटीपी नहीं देना है, आपने कार्ड की डिटेल नहीं देनी है, क्योंकि बैंक वालों के पास पहले से आपकी कार्ड की डिटेल सारी होती है, तो वो डिटेल कभी भी आपसे नहीं मांगते, बस आपका नाम पूछते हैं वेरिफिकेशन के लिए, आपका एड्रेस कंफर्म करते हैं वेरिफिकेशन के लिए, उससे ज़्यादा बैंक वाले कभी भी आपसे कुछ नहीं पूछते हैं यहाँ पर। तो कभी भी ओटीपी मत दीजिए दोस्तों, कभी भी यहाँ पर दोस्तों ना ओटीपी, ना ही दोस्तों यहाँ पर अपने कार्ड की डिटेल, ना बैंक की डिटेल, ना कोई एटीएम का पिन, ना क्रेडिट कार्ड का पिन, कुछ भी आप लोगों ने नहीं बताना है, वरना आपके साथ यहाँ पर स्कैम हो जाएगा। जैसे इन भाई साहब के साथ 49,981 यानी 50,000 रुपये का स्कैम हो गया, तो यहाँ पर ये नया स्कैम चला है, नंबर स्कैम चला है। पहले दोस्तों ये स्कैम नहीं देखने को मिलता था, लेकिन अब यहाँ पर नए नए तरीके ढूंढे जो हैं वो जा रहे हैं। बाकी दोस्तों बता दूं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको बहुत सारे अलग अलग बैंक्स के इंस्टेंट अप्रूवल क्रेडिट कार्ड्स के दोस्तों लिंक जो है वो मिल जाते हैं। हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो उनको लिंक मिलते हैं, उन लिंक पे दोस्तों क्लिक करा, क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करा, उनको इंस्टेंट अप्रूवल उन लिंक से मिल चुके हैं क्रेडिट कार्ड्स के। रुपए क्रेडिट कार्ड के भी लिंक मैंने यहाँ पर प्रोवाइड करा रखे हैं, बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर लिंक है, कोई टेंशन की बात नहीं है। पर्सनली मैं आपको यहाँ पर जो लिंक जो है प्रोवाइड करा रहा हूँ, ताकि आप लोगों को भी यहाँ पर क्रेडिट कार्ड जो है वो मिल जाए। बाकी दोस्तों मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।